आप समझो इसको, ओके। सो इन एन एटम, एक एटम में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जिनका क्या चार्ज है बेटे? नेगेटिव। दे आर रिवॉल्व, जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व करते, दे रिवॉल्व अराउंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है? न्यूक्लियस किस में? इन द डेफिनेट सर्कुलर पाथ। दीज आर वेरी मच डेफिनेट सर्कुलर पाथ, एंड दीज सर्कुलर पार्ट्स आर नोन एज बेटे ऑर्बिट्स और शेल, ठीक है? नाउ दीज ईच ऑर्बिट और अ शेल, ठीक है, और दीज सर्कुलर पाथ हैव फिक्स्ड एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन, इसने ये कंसेप्ट बोला बेटे, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रहता है, ना ये एनर्जी लूज करता है ना ये गेन, इन पाथ की एक फिक्स एनर्जी है, ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व अराउंड विच न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ, एंड दिस सर्कुलर पाथ को, इन पाथ्स को क्या बोलना उसने? या तो उसने कहा कि ये ऑर्बिट्स हैं, या कहता है जिसको आप शेल बोलो। और जब तक इलेक्ट्रॉन्स इन शेल या ऑर्बिट में रहते हैं, इनकी एनर्जी फिक्स रहती है, तो ईच शेल और ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है? ओके, गॉट इट? हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, ओके। नाउ ईच एनर्जी लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वैल्यू एन। एन इज 1, 2, 3, 4। ये बेटे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में आप क्वांटम नंबर्स की बात करते हो। अभी आप समझो कि जो सबसे कम लेवल है उसको के बोलोगे, एल बोलोगे, एम बोलोगे, एन बोलोगे, ठीक है? दिस इज के एल एम एन, गॉट इट? ठीक है, के कॉरस्पॉन्ड्स टू एन इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, एल कॉरस्पॉन्ड्स टू सेकेंड शेल, देन थर्ड, देन फोर्थ, एंड सो ऑन। बात समझ आई इतनी? एनी डाउट? क्योंकि इसमें बेटे एनर्जी कंजर्व रहती है, हर एक शेल में एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ही शेल में रहता है तब तक वो इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता और गेन भी नहीं करता एनर्जी। तब कहते हैं कि इनका डिस्क्रीट एनर्जी होती है। डिस्क्रीट का मतलब जो चेंज नहीं होगी जब तक अपनी शेल में रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस ऑल ऑफ यू गेटिंग द पॉइंट? वेट, ठीक है, ओके। अब अगेन आई एम रिपीटिंग द मॉडल, ठीक? व्हाट डज दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ? लिसन टू मी केयरफुली। दिस मॉडल कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर पाथ। जैसे कि बैंगल है ना, बैंगल सर्कुलर होती है, तो ये मॉडल फेल होने का यही क्राइटेरिया है। सर्कुलर है, हमने अभी स्फीयर बोलना शुरू कर देना है, एक बॉल की तरह बोलना शुरू कर देना है। सर्कुलर पाथ में बेटे रिवॉल्व करते हैं, उन सर्कुलर पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट्स या शेल, ठीक है? ऑर्बिट्स या शेल बोला जाता है, ठीक है? इन ऑर्बिट्स में जो एनर्जी है, एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ईच ऑर्बिटर ऑर्बिट इज हैविंग अ पर्टिकुलर एनर्जी, बिकॉज दे हैव आर हैविंग अ पर्टिकुलर एनर्जी, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, इन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बिकॉज दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू, ठीक है? व्हेन रिवॉल्विंग अराउंड दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट इट एनर्जी। जब तक वो अपने ऑर्बिट में घूमते हैं तब तक वो एनर्जी अमिट नहीं करेंगे, ना लेंगे ना देंगे। व्हाट इट बेटे? अगेन आई एम रिपीटिंग,
बोहर ने ये कहा कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट्स को ऑर्बिट्स या शेल कहा जाता है। जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में घूमते हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, उनमें से एनर्जी बाहर नहीं आती, इन्हें क्या बोला जाता है, डिस्क्रीट। द वर्ड इज डिस्क्रीट, ठीक है, द वर्ड इज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ओके, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में का नंबर होता है एन वन, अगर फर्स्ट शेल है तो इसे एन इज इक्वल टू वन बोलोगे, सेकेंड शेल के लिए टू, थर्ड शेल के लिए थ्री, फोर्थ के लिए फोर, फाइव के लिए फाइव, और या बोलोगे कि एल एम एन एंड सो ऑन, गॉट इट, और के एल एम एन एंड सो ऑन। बट वेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट इट विल नॉट रेडिएट एनर्जी। यही रदरफोर्ड का फेलियर था और यही फेलियर को कवर करने के लिए बोहर ने ये कहा, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ये एनर्जी कब रेडिएट करेगा, जब ये लोअर से हायर पे जंप होगा, जब ये हायर से लोअर, ठीक है, जब तक आप, वो कहते हैं भी जब तक आप अपने घर में बैठे हो ना आपको ये एनर्जी मिट नहीं करोगी, मगर जब आप ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर में जाओगे ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाओगे, जब टॉप फ्लोर से नीचे आओगे तो एनर्जी इमिट करते जाओगे। जब तक आप अपने रूम में बैठे ना, इलेक्ट्रॉन को बोला बेटी जब तक वो अपने ऑर्बिट में बैठा है तब तक वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। समझ आई, गॉट द पॉइंट एवरीवन? यस कृतिमा, गॉट इट? गरिमा, तुषार, हर्षित, दीपाली, कनिष, हर्षित एंड हर्षिता, गुरुपाल, प्रभजोत, ऑल ऑफ यू, यस राघव, राघव यू आर लेट, आई विल नॉट क्लियर योर डाउट, देयर सो मेनी डाउट। मैम जो आउटर, सॉरी मैम, मैम जो आउटर रिंग में जब वो चला जाता है एनर्जी रेडिएट करके फिर वापस इनर रिंग में आ जाता है, कहते भी जहां मर्जी जाए उसको अपना घर प्यार है। जैसे हम चाहे इस वर्ल्ड में बर्थ ले चुके ना, आखिर हमने भी अपने घर में जाना है बाद में, खेल खूल के नाच गा के यहाँ पे, वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलगी वो ऊपर जंप करेगा, वो मैं आगे बताती हूँ आपको, अभी बताया नहीं कंसेप्ट। जब वो वापिस आएगा ना वो एनर्जी वापिस से अमिट करके जहां पे था वहां पे वापिस आ जाएगा, जितनी ली थी ना। राघव की एब्सेंट गुरशान, राघव इज लेट, ठीक है, वो भी मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताना है अभी, ठीक। पर ये समझो कि हर वर्ल्ड में हर थिंग जहां से आई है वहां वापस जाएगी, ठीक है, जहां से आई है वहां, इलेक्ट्रॉन भी यही है, हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, एनर्जी उसने एब्जॉर्व करी, अपना ऑर्बिट छोड़ा ऊपर, अब डिपेंडिंग उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्व करी, उसने कम एनर्जी एब्जॉर्व करी है, उसने ज्यादा एनर्जी ली है, उसने बहुत ज्यादा ली है, जितनी एनर्जी, जैसे अगर आपको कितना आपने ग्लूकोज पिया, आपने हाफ ग्लास पिया, आपने फुल ग्लास पिया, आपने एक बॉटल पी ली, ठीक है, उतनी आप स्टेयर चढ़ोगे, ठीक है, पर वापिस आपने अपने रूम में ही बैठना है आके। अब जब वापिस आओगे तो एनर्जी आप इमिट करते आ जाओगे, पर ये चलो ह्यूमन बींग की तो बात ही है कि ग्लूकोज पिया है उसको एनर्जी मिली है तो वो लेके वो भाग गया ऊपर, और जब वो उसकी बस अब भाग गया और मैं ऊपर जाके थक गया हूँ, मैंने सोना है बेड पे आके वापिस सोना है, तो वापिस जब वापिस आएगा तो एनर्जी निकालता हुआ आएगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ है। अब ये भी नहीं कह सकते कि जो शेल वन में प्रेजेंट है वो शेल टू तक जंप करेगा कि थ्री तक के फोर तक, वो डिपेंड है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी कम भी एब्जॉर्ब कर सकता है, वो एनर्जी ज्यादा भी कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड है कितनी, ठीक है, उसको कहते हैं फोटोन।
वर्ड यूज करते हैं फोटोन, फोटोन होता है कि एक लाइट, लाइट कितनी एनर्जी देती है, ठीक है ओके। तो यही नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एक मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, फॉर एग्जांपल फ्रॉम एनर्जी लेवल वन टू एनर्जी लेवल टू, या एनर्जी लेवल वन टू एनर्जी लेवल थ्री, या एनर्जी लेवल वन टू एनर्जी लेवल फोर, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू द हायर एनर्जी लेवल, हाउ हाउ इट विल मूव, बाय गेनिंग द एनर्जी। व्हेन मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इसने एनर्जी गेन कर ली और ये हायर एनर्जी लेवल तक गया चला, और इस एनर्जी को कहते हैं एच म्यू। एच एक प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, कितनी, अब लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ली है, दिस यू विल डू इन क्लास प्लस वन, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्व करेगा लोअर से कहां जाएगा हायर लेवल तक, ठीक। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर लेवल नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल कम बैक। When it will move from this higher level to move back to lower level, it will lose energy. अगर पहले उसने gain करी है, now क्या होगा? It will lose energy. But in its orbit, it has fixed energy. उसी energy से move कर रहा है. Energy change नहीं हो रही है. अपने orbit में energy change नहीं हो रही है. It is minus 1312 by n square. You will do in higher standard. You haven't to remember the energy value now, but you will do the energy value. कि कितनी energy value आपको, energy value भी बताएंगे हम 11th में कि कैसे आती है, क्या energy value है. You will do in higher standard. ठीक है. तो n square means shell number होता है और 1312 by n square होती है. You will be doing further, but not now. Yes, Raghav. मैम एनर्जी रेडिएट करना और एमिट करना सेम चीज है? सेम चीज है, मतलब जब वो पावर गेन कर लेता है तो बाहर चल जाता है, क्योंकि रेडिएशन की निकाल के वापस अंदर आता है। एनर्जी क्योंकि रेडिएशन की फॉर्म में आती है, कुछ फ्रीक्वेंसी कुछ वेवलेंथ की फॉर्म में आती है, तो हम टर्म रेडिएट बोल देते हैं, अदरवाइज मीनिंग इज सेम, ठीक है। रेडिएशन क्या होती है? फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। ओके राघव, व्हाट आर रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जब रेडिएशन सिर्फ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रा से आ रही है तो हम इसे फोटोन कहते हैं, और हर एक लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो एनर्जी पैकेट्स में आएगी, यू विल डू इन हायर स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं इज इक्वल टू एन एच म्यू, कि ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये लोअर लेवल से हायर लेवल पे जंप करेगा। हाँ जी, यस दिया एंड जानवी। मैम आपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स शेल के नीचे क्या लिखा है वो एक बार फिर से बता दो। ये तो एनर्जी बोले E is equal to H mu, जो एनर्जी देते हो ये एनर्जी, ये थोड़ी ना गर्म कर देते हैं हम, कोई फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी देते हैं, चाहे वो गर्म करके दें, चाहे वो लाइट, जैसे लाइट पड़ती है तो कोई चीजें चमकती है, क्योंकि उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल तक जंप करते हैं, अब जब वापिस आते हैं कुछ एनर्जी इमिट करते आते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली जिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इमिट करते आ रहे हैं वो हमें कलर परसीव भी होते हैं। यस अर्शदीप। मैम जो ये n इक्वल टू वन है टू है, मैम ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेल में प्रेजेंट है, शेल नंबर, जो सबसे न्यूक्लियस के पास जो शेल है उसका नंबर वन है, जो न्यूक्लियस के सेकंड नंबर पे शेल आती है उसका टू, फिर ये थ्री शेल नंबर है, ये फोर शेल नंबर है। इलेक्ट्रॉन तो बेटे 2n स्क्वायर से फिल होंगे, कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 देन 8 देन 18 देन 32 एंड सो ऑन, विल डू फर्दर।
दीज आर शेल नंबर, वी हैव गिवन नंबर, क्योंकि पहले जब बोहर आया उसने के एल एम एन कह दिया, जब हम क्वांटम बोलेंगे तो इसको के एल एम ना बोल के हम इनको शेल नंबर बताएंगे कि शेल का नंबर एक है जो न्यूक्लियस के पास है, टू है जो सेकंड शेल आएगी, थ्री है जो थर्ड शेल आएगी. ठीक है बेटे, ओके अर्शी, ओके मैम. शेल नंबर्स एंड दीज हैव के एल एम एन, सो एनी मोर डाउट? मतलब अगर बहुत ज्यादा एनर्जी गेन करे, अब क्या बोला था, आप हाफ ग्लास ग्लूकोज पियो, आप जग भर के एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी, जितनी जग भर के उसने एनर्जी ली ना, जितनी आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी डाली उतना इलेक्ट्रॉन जंप कर, जितना उसको गुस्सा आता उतनी वो बड़ा निकाल देता. हाँ, जितनी आपने एनर्जी दी, जैसे एक थप्पड़ लगाओ okay, बच्चे कम पढ़ते हैं, अगर 10 पढ़ जाए फिर तो बहुत ही गुस्सा आ जाना है, फिर आप अच्छे से पढ़ोगे okay, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी. बहुत अच्छे से समझ आ गया मैम, ठीक है. ओके मैम, हाँ जी अर्शदीप, हमेशा याद रहेगा. हाँ याद रहेगा आपको, अब आप अच्छे से पढ़ोगे. हाँ मैम, यस मैम, वो ये सब एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंट करके बताया. हाँ बेटे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा स्टडी किया था, तो इसमें लाइमन, बार्मर, पास्टन, पीफन, ब्रैकन, इसको सीरीज मिली थी, तो अब वो तो आपकी सिलेबस में नहीं है, तो आप ये बस ये देखो क्या समझाया उसने, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो हम इलेवंथ में करेंगे अगर आपने मेडिकल नॉन मेडिकल रखा. अभी तो नहीं करेंगे हम, अभी तो आप इसको लर्न कर लो. ओके मैम, ठीक है. और कोई डाउट? हाँ जी, यस गौरव मैम, ये जो रदरफोर्ड था, बोहर कर रहे हैं अभी हम मैम, वैसे मैं पूछ रहा हूँ रदरफोर्ड मैम, इसने गोल्ड, मैम गोल्ड लीफ क्यों ली थी, मतलब एक्सपेरिमेंट? क्योंकि बेटे वो हैवी है, बहुत हैवी है, अगर लाइट लेता ना, लाइट जिसमें एटम में प्रोटॉन कम है, तो हो सकता था कि अल्फा रेडिएशन पीछे ना जाती और इसको थिन किया जा सकता है बहुत ज्यादा, उसकी मेलेबिलिटी अच्छी है. ओके मैम, ठीक है. एक मेलाबाइल बहुत ज्यादा है, एक वो हैवी मेटल है. हैवी मेटल का मतलब है जिसमें प्रोटॉन ज्यादा हो, जब प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो जैसे कोई हल्का सा न्यूक्लियस ले लेता तो उससे टकरा के हो सकता है कि वापस ना आते अल्फा रेडिएशन, तो थोड़ा सा वो हैवी न्यूक्लियस है तो अल्फा रेडिएशन वापिस आ गए. और दूसरा उसको मेलाबाइल अच्छी, उसकी जो थिकनेस है वो आप बहुत कम कर सकते हो, थिन यू कैन मेक. Any more doubt? Nothing? Board समझ आ गई बेटे सबको? देखो बेटे, थ्री मॉडल्स हैं, थ्री के postulates हैं, थ्री के limitations हैं. इसमें से एक क्वेश्चन आना आना होता है, उसके अलावा हमने फीलिंग कैसे करनी है वो सीखनी है, फीलिंग आप सीखोगे एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड वेलेंसी एंड कंसेप्ट ऑफ आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स. ठीक है, अभी बोहर में ये समझो कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रहता है तब तक उसको कुछ नहीं होता, जितना मर्जी घूमता रहे उसकी एनर्जी उतनी रहनी है. अगर आप बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करोगे तब आप जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर से हायर एनर्जी लेवल तक जंप करेगा, और वो कहाँ तक जंप करेगा वो डिपेंड करेगा वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. अब जब वो वापिस आएगा कुछ एनर्जी अमिट करता आएगा, और इन शेल्स को हमने नंबर दिया कि फर्स्ट शेल है, सेकंड है, थर्ड है, फोर है. ठीक है, एन की वैल्यू जैसे मैथ में आप करते हो, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ना कुछ भी हो सकती है. यस जी एंड डॉन में मैम, बोहर मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशंस हैं. हम बिल्कुल हैं, इन योर बुक इज नॉट प्रेजेंट बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, आई विल डिस्कस विद अदर टीचर्स, अगर मुझे करवानी है लेट यू एक्सप्लेन. इसने बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं किया ना, तभी क्वांटम आया, तभी हम 3D में, अब 2D में नहीं है. दिस मॉडल इज 2D, ये सर्कल, ये बैंगल्स में इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है, एक सर्कल में इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है. तो हमने इस मॉडल को निगलेक्ट करते हुए अब इलेक्ट्रॉन्स एक सफियर में घुमाना शुरू कर दिए हैं, दैट इज क्वांटम. 3D में घुमाते हैं अब इलेक्ट्रॉन मैम. बाकी दो मॉडल, बाकी नहीं बेटे, एक ही मॉडल रह जाता है क्वांटम, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस,
that you will do in 11th if you will take medical or non-medical. That is quantum model. That is the main model. Now this is failed one. But yet you are doing. I don't know when school is going to open. This depends upon the government. Let us see today what the government will say to us. ठीक है ओके अब ये आप आपका मोस्ट प्रोबली दिस वीक टेस्ट भी हो सकता है तो बी प्रिपेयर्ड विद द टेस्ट एंड अपनी हॉलीडेज होमवर्क जिसने नहीं भेजा बेटे एंड डोंट सेंड इन द पीडीएफ फॉर्मेट क्योंकि हमने सिर्फ आपका पढ़ना है क्या लिखा है आपने एंड जस्ट सेंड इट फास्ट